चलो ध्यान दो, चैप्टर नंबर सिक्स, नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज लाइन एंड एंगल्स। अब जो भी टर्म्स और बेसिक डेफिनेशन या थ्योरी में यहाँ पे करवाता हूँ, क्योंकि जियोमेट्री में थ्योरी के बिना काम नहीं होगा, सो आपको ध्यान रखना है। रिकॉल दैट अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड्स दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ लाइन, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके दो एंड कन्फर्म है, ए एंड बी, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट ना। आइडेंटिफाई करना है इसको, क्या बोल रहे हैं सबसे पहले तो, एंड अ पार्ट ऑफ लाइन विच वन एंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज रे। लाइन का एक पार्ट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, जैसे ए इज एंड पॉइंट और बी तो एक्सटेंड हो रहा है पूरा आगे की ओर, एक ही एंड पॉइंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? रे। नेक्स्ट वन, हाउएवर उसको सिंबलाइज करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसको सिंबलाइज करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी लाइक दिस वन, और रे को सिंबलाइज कैसे करते हैं? रे ए बी, ए इज द एंड पॉइंट। अगर आप बी ए लिख रहे हो तो बी इज द एंड पॉइंट। देन फिर अगर इफ मोर देन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइन ऑन लाई ऑन द सेम लाइन, देन दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। जो मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको भी आपको भी अंडरलाइन करना है। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे तीन से ज्यादा पॉइंट आए हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हाउ? अगर ऐसे लाइन है और इसमें पी क्यू आर ऐसे कुछ तीन पॉइंट्स है, तो इसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। बट पी क्यू और आर सपोज इधर है, तो ये पी क्यू तो एक लाइन पे है बट आर उस लाइन पे नहीं है, तो पी क्यू आर आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्मड विद द 10 रूल्स। ध्यान देना, 10 रेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट। एंगल कब फॉर्म होगा? एंगल इज फॉर्मड व्हेन टू रेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट? सेम पॉइंट्स। इसको आप एंगल बोलते हो। इसको एंगल बोलते हो क्या बोलते हो? रे। क्या बोलते हो उसको? रे। आप अगर दूसरा रे ऐसे है और दोनों रे देखो एक ही पॉइंट में से क्या हुए? ओरिजिनेट हुए, तब ए जो बना उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। समझ में आया? तो एंगल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, एंगल इज मेड बाय टू रेस विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे ओ ए रे है और दूसरा रे है ओ बी, तो एंगल कौन सा बन गया? एंगल में तीन नंबर आएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया? नाउ द रेस मेकिंग द एंगल दैट इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। एंड अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। हियर दिस टू नंबर वन आर्म नंबर टू आर्म, रो ए आर्म कौन से है? रे ओ ए एंड रे ओ बी, और दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर है? दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। नेक्स्ट वन, यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल सच एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ इन अर्लियर क्लासेस, बट हम उसको रिवाइज करेंगे। एक्यूट एंगल कब बोलते हैं? जब मेजरमेंट किसके बीच में हो? 0 और 90s। डन, याद रखोगे ना? सब कुछ मैं कल ओरली पूछूंगा। 0 और 90 के बीच में जब मेजरमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल कब बोलते हैं? एग्जैक्टली 90 डिग्री, और 90 से ज्यादा होता है और 180 जितना होता है तो ऑब्ट्यूस एंगल। कितना बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। फिर अगर 180 का एंगल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना, ये जो अभी एंगल दिया गया है ना फिगर में, उसके अलावा का जो पार्ट है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, सपोज दिस वन इज एक्स एंगल, कितना एंगल है? एक्स, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ? समझ में आया? अब टोटल तो कितना होता है? 360। टोटल कितना होता है? 360। तो हमें अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 360 में से एक्स को माइनस कर देंगे। 360 में से एक्स को क्या कर देंगे? माइनस। समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला समझ में आया? लिख के रखना, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल।
Next, an acute angle measure between what 0 to 90, right angle ka measure kitna hota hai 90, a greater than a angle greater than 90 but less than 180, that is called what obtuse angle. Equal to 180 ko kya bolte hai strain angle, and an angle which greater than 180, that is called as reflex angle. Reflex angle how can you find? 360 degree minus angle. Further, two angles summation 90, agar do angle ka summation 90 hota to usko hum kya bolte hai complementary angles bolte hai, and summation of two angle is 180, then they are known as supplementary angles. Now you have also studied about adjacent angle. Adjacent angle kisko bolenge? Two angles are adjacent, this is the definition, underline this one. Two angles are adjacent if they have common vertex and a common arm, and their non common arms are on different side of the common arm. Jaise ki yahan pe dekho ye do angle hai, dono angle ka common arm kaun sa hai? BD. Dekho BD dono mein hai, ABD mein bhi hai aur DBC mein hai. Then ABD mein bhi hai aur DBC mein bhi hai, to common arm kaun sa ho gaya? BD. और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अलग अलग साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड, बीसी एंड फिर में आया, तब उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेंट एंगल. कौन सा एंगल बोलते हैं? समझ में आया ना? चलो, और एडजस्टेंट एंगल का एक प्रॉपर्टी है, देखो अगर आप ए से लेके बी, जहां से मेरा हैंड घूम रहा है, खास ध्यान देना, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी. देखो अगेन, ये दोनों को मिलाओगे तो पूरा एंगल मिल जाएगा. तो ये एडजस्टेंट एंगल का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखोगे ना? देन जब भी दो एंगल एडजस्टेंट होते हैं तो एक्चुअली में तीन एंगल बनते हैं. कितने एंगल बनते हैं? तीन. दैट इज नंबर वन, दैट इज नंबर टू एंड दैट इज नंबर थ्री. और थ्री जो होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा यानी कि दोनों छोटे एंगल का समेशन. देन अब if non common arms BA and BC form a line, then that is the linear pairs of angle. ab dekho yahan pe non BD is common arm, but jo BC and BA tha wo non common arm tha, usne kya bana diya? ek single line. tab usko hum kya bolte hain? linear pair angles. aur dekho ab straight angle ban jayega ABC. bada angle kaun sa hai? ABC, that is summation of ABD plus DBC. और ABC तो स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया. स्ट्रेट लाइन एंगल का सम क्या होता है? वैल्यू 180. और इसीलिए लीनियर पैर एंगल ऑफ समेशन कितना होगा? 180. याद रखोगे ना? लीनियर पैर एंगल्स का समेशन होता है 180. यू मे ऑल्सो रिकॉल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. यहाँ पे देखो दो क्रॉस पड़ रहे, और यहाँ पे जो एंगल है ना उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ए हो जाएगा. यानी कि एंगल बी ओ सी का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ए ओ डी. लाइक वाइज बी ओ डी, बी ओ डी डबल वाला आया, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ए ओ सी. ऑपोजिट एंगल्स आर सेम. ऑपोजिट एंगल क्या रहते हैं? सेम. और लीनियर पेयर एंगल का समेशन कितना होता है? 180. लीनियर पेयर एंगल का समेशन कितना होता है? याद रखोगे ना? अब दो रे, दो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे दो रे ऐसे भी है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करते तब उसको हम कौन सा लाइन बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस. ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का समेशन 180 होता है, मैंने बता दिया. ओके, इसको आप अगेन, आप लोग भी इसको अंडरलाइन करके रखो. इफ अ रे स्टैंड्स अ लाइन, देन सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180. अगर रे लाइन बना देते हैं तो दो एडजस्टेंट एंगल का समेशन कितना होगा? 180. एंड रिकॉल, व्हेन द सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल इज व्हाट? 180, देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का समेशन होता है 180. If the sum of two adjacent angle is 180, then non-common arms of that angle forms a line. उससे उल्टा हो गया. पहले हमने बोला था कि if non-common arm forms a line,
देन दो एडजस्टेंट एंगल का समेशन कितना होगा 180। अब उल्टा बोल रहे हो कि दो एंगल का समेशन 180 है, देन नॉन कॉमन आर्म्स क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन। क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा मैंने बोला था, याद है? तो हमें प्रूफ भी करना है, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, आपको प्रूफ के साथ पूछेंगे। वहां पे आई एम बिलीव ये थ्योरम प्रूफ के साथ पूछा जाएगा। डन। अब देखो, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो हमने यहाँ पे कौन सा लाइन लिया, ए बी, और दूसरा कौन सा लाइन लिया है, सी डी। बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो इफ द स्टेटमेंट ऑफ अबव इट इज गिवन दैट in this statement above it is given that two line intersect each other, so let line AB and line CD intersect each other at point and they leads to two pair of vertical opposite angle, namely kaun se do pair banenge, ek AOC angle AOC hai, uske samne kaun sa hai, AOC ke samne kaun sa hai, DOB, DOB bhi bol sakte ho ya to bhi BOD bhi bol sakte ho, aur dusra AOD uske samne kaun sa hai, COB। समझ में आया? या तो COB भी बोल सकते हो या तो फिर BOC भी बोल सकते हो। हाँ, वो बीच में होना चाहिए, जहां पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, बीच में। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम। AOC इक्वल्स टू क्या है, BOD, और AOD इक्वल्स टू क्या है, BOC। व्हाट वी डन, द रे OA यहाँ पे आप देख सकते हो, OA एंड OB वो लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो ए जो AOD एंगल है वो, और DOB एंगल है या तो फिर BOD एंगल है, वो लीनियर पर एंगल हो जाएगा, और लीनियर पर एंगल का समेशन कितना होता है, 180। अभी तो बोला था लीनियर पर एंगल का समेशन कितना होता है, 180। तो आप देखो यहाँ पे AOC एंड AOD, यहाँ पे AOC एंड AOD कितना हो जाएगा, 180। ओके, कौन सी लाइन की बात की है, कौन से रे की बात की है, OA stands on the line CD। यहाँ पे देखो आप, लाइन CD है, उस पर एक OA ray निकलता है, तो ये जो COD एंगल होगा तो वो तो 180 हो जाएगा। तो वो किसने पार्ट्स का बना हुआ है, AOD और दूसरा AOC and AOD, वो दोनों का समेशन 180 हो गया। और लाइक दैट दूसरा भी है हमारे पास, AOD and plus BOD, जो मैंने गलती से पहले समझाया था ये दोनों के लिए, क्योंकि AB मेरा लाइन है और उस पे रे कौन सा स्टे कर रहा है, OD, तो AOD एंड DOB ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएगा समेशन। तो 180 हो गया। अब दोनों 180 है तो सामने सामने रख सकते हैं उसको, AOC प्लस AOD, AOC प्लस AOD, AOD प्लस BOD, AOD प्लस BOD, दोनों में से AOD AOD क्या हो गया, कट हो गया, यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, AOC, और सामने क्या बचा, AOC equals to BOD बना, प्रूव हो गया, हमें प्रूव करना था। सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट AOD equals to BOC, आप ऐसे लिख देना। डन। अभी यहाँ तक अंडरलाइन दिस सेंटेंस, यहाँ तक यहाँ पे एक लाइन कर दो, सिर्फ क्रॉस लाइन, और यहाँ पे पूरा प्रूफ आपको पूछेगा। डन। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट नहीं है ना?